गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YT और इंग्लिश ट्यूटर को। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एडिटोरियल के साथ में क्विज़ के सॉल्यूशंस को हम शाम में डिस्कस करेंगे एवरी इवनिंग। आज से हम उस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। आज सुबह के एडिटोरियल के ऊपर ये सीरीज़ है बेस्ड। एडिटोरियल का नाम था कैट कैनेंड्रम। आज तारीख है 10 फरवरी 2020। इस एडिटोरियल को आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। देखिए, कैट कैनेंड्रम 10 फरवरी 2020, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए डिस्क्रिप्शन आएगी यहाँ से, जस्ट ए मिनट। हाँ, डिस्क्रिप्शन होती है ये, है ना, इसमें जाएंगे, इस लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से इस पर क्लिक करते ही आपके पास क्विज आ जाएगा। उसी क्विज़ को आज हम जो है ना शाम में सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने जिन क्वेश्चंस को गलत किया था, वो आज देख लें किस तरह से आरसी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आपको उन ऑप्शंस को अलग करना है जो कि सही हैं, और जो गलत है उनको अपने को नहीं लेना है। चलिए, पहला ऑप्शन अपना, देयर हैज़ बीन अ कंसेंसस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ एशियाटिक चीता इन इंडिया। देखिए, आपको पता होगा मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाता हूँ ताकि एक क्वेश्चन के अंदर पहले वाले में ही पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपके एडिटोरियल का आ जाए। तो देखो, अब इसमें वर्ड मैंने एक ऐड कर दिया, कंसेंसस। जिसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, उस क्वेश्चन में रह जाएगा पीछे। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। आपको मालूम है ना, कंसेंसस मतलब सबकी आम राय। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर सबकी आम राय रही है, सहमति रही है ओरिजिन के ऊपर एशियाटिक चीता की इंडिया के अंदर। अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल को पढ़ चुके हैं तो आप देखेंगे, जस्ट ए मिनट, हुआ क्या था इसके अंदर। इसने बताया कि हाँ, रिमार्केबली द एंटिक्विटी ऑफ हाई स्पीड हंटर दैट फाउंड पार्ट ऑफ मुगल ग्रुप हैज़ बीन अ मैटर ऑफ साइंटिफिक डिबेट। अब देखो, इसके साथ में से क्या बताया, विद मच लिटरेचर ट्रेसिंग द ओरिजिन्स ऑफ द एशियाटिक चीता टू अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो। तो एक मैटर ऑफ डिबेट था। देखिए, मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि एडिटोरियल में हम इसको अच्छे से देख चुके हैं। वीडियो में यहाँ लिंक कर देता हूँ, आप उस वीडियो में जाकर के देख लें। तो कह रहे हैं डिबेट है इसके ऊपर, ओरिजिन कहाँ से आया था ये जो जानवर है उसका ओरिजिन क्या था ना। तो कुछ तो कह रहे हैं 2 लाख साल पहले से था, और कुछ कह रहे हैं दूसरी हाइपोथेसिस कि ये जो है ना अभी अभी इंडिया के अंदर आया है, कुछ 1000 साल पहले ही। एलियन इंपोर्ट है इंडिया के लिए, अभी अभी इंडिया में आया। तो जब यहाँ पे डिबेट है तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंसेंसस वर्ड हो गया यहाँ पे गलत। कंसेंसस मतलब सबकी सहमति, एडिटोरियल कह रहा है डिबेट है, तो ओरिजिन को लेकर के सबकी डिबेट है, किसी की सहमति नहीं है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत है, कंसेंसस इज नॉट द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है, ओनली सर्वाइविंग ग्रुप ऑफ एशियाटिक चीतास इन द वर्ल्ड इज इन ईरान। मतलब दुनिया भर में सिर्फ ईरान के अंदर एशियाटिक चीता जो है ना वो अभी है जिंदा। देखो, इसमें मैंने आपको घुमाने की कोशिश की, एक्चुअल में एक बिल्कुल ऐसा सेंटेंस आपके पास आया है, जस्ट अ मिनट, हाँ कहाँ गया, कह रहा विद अ ग्रुप सर्वाइविंग इन ईरान। ये कह भी रहा है कि एक ग्रुप इनका सर्वाइव कर रहा है ईरान के अंदर, पर आगे देखो ये क्या कह रहा है, देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द एशियन पॉपुलेशन। इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है प्रिजर्व करने को एशिया की पॉपुलेशन को। कहने का मतलब क्या, ग्रुप जो है वो ईरान के अंदर, ईरान एशिया के अंदर, तो एशिया की पॉपुलेशन को जो है प्रिजर्व करने के लिए हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने आपको यहाँ घुमाने की कोशिश की है तो मैंने कैसे की है, मैंने बोल दिया आपको पूरी दुनिया के अंदर ईरान के अंदर सिर्फ पॉपुलेशन बची है। कहने का मतलब ये है, दुनिया में कई जगह हैं, एशिया के अंदर ईरान के अंदर हैं, तो ऐसा नहीं है बात सही कि पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान में बचे हैं। अब इसको आगे आप हिंट भी देख सकते हो, दूसरी चीज़ इसने और बोली थी अगली लाइन में, वट एवर इट्स ओरिजिन्स इट इज़ इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट अ न्यू पॉपुलेशन वेदर फ्रॉम अफ्रीका और ईरान, चाहे वो अफ्रीका से आए चाहे ईरान से आए। तो इसने एक और हिंट दिया कि अफ्रीका में भी पॉपुलेशन रही है टाइगर्स की, इन चीतास की, तो पूरी दुनिया में ईरान के अंदर है, ये बात है बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन को मैं नकार देता हूँ। देखिए, थोड़ा घुमा रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही घुमाता है, आपको जो आपने पढ़ी होंगी लाइनें उन्हीं को घुमा फिरा करके आपके सामने रख देगा, आपको लगेगा यही सेंटेंस जो है एडिटोरियल में भी था, आरसी में भी था, तो सही होगा, ऐसा नहीं होता। चलो, द एससी हैज़ डिसअप्रूव्ड इम्पोर्ट ऑफ चीता फ्रॉम अफ्रीका इन 2013। अब ये देखो, ये 2013 वाला मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ भी आपके पास फिगर्स आए उसको डायरेक्टली आप है ना ट्रेस आउट करें। जैसे मैंने 2013 लिखा तो यहाँ पे 2013 आ रहा है, देख रहे हो, डायरेक्टली मुझे इस लाइन पे पहुँच जाना है, मेरे को जैसे पता लगेगा 2013 की बात हो रही है। इसमें क्या बोला है, इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग द सेम कोट ऑब्जर्व इन 2013
ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम इंपोर्टिंग अफ्रीकन चीता. तो इसने उस कोर्ट में रिस्ट्रेन कर दिया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि मत लाओ चीते को 2013 के इस ऑर्डर में. मतलब ये तीसरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, डिसअप्रूव कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है, नामंजूर कर दिया कि चीते को इंपोर्ट नहीं करना है. तो सी हमारा सही हो गया. तो मतलब ई तो हमारा ऑप्शन है नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी ये दोनों भी हमारा ऑप्शन हो सकता है एफ नंबर. चलो डी को भी चेक कर लेते हैं. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स टू मेक एनवायरमेंट क्लीनिंग मोर लिबरल ऑफ लेट. ऑफ लेट का मतलब क्या होता है, आजकल में, हाल के दिनों में, ना, ऑफ लेट मतलब हाल के, आज के, आजकल की बात करें तो कह रहा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है ना वो पुट करती जा रही है एफर्ट्स को बनाने के लिए एनवायरमेंट की क्लीनिंग को और ज़्यादा लिबरल. ये मैंने आपको सुबह एडिटोरियल में बताया भी था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़रूरत होती है रोड्स बनाने की, बहुत ज़रूरत होती है उसको काम करवाने की जंगलों के अंदर. तो कह रहे हैं ना, एनी अटेम्प्ट एट एक्सपेंसिव वेल्डिंग विल बी निगेटेड बाय पैरेलल एफर्ट्स टू लिबरलाइज एनवायरमेंट क्लीयरेंस फॉर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, है ना. तो कह रहा है इनके पैरेलल एफर्ट्स चलते रहते हैं, वो सारे के सारे एफर्ट्स इस एक्सपेंसिव रीवेल्डिंग को निगेट कर देंगे. देखा था ना आपने सुबह मेरे साथ, तो वही बात है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एफर्ट्स चलते रहते हैं, मतलब वो पुट करती हैं एफर्ट्स को. बात देखूं तो मैं, ये बात बिल्कुल सही है, सी और डी मेरे दोनों के दोनों सही है. दैट्स वाई योर आंसर इज सी एंड डी. अब आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा ना, टुच्चा क्वेश्चन नहीं था ये, आपसे एग्जाम में आप ये एक्सपेक्ट करो, यही लेवल है आपके एग्जाम्स का. मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं, मॉक टेस्ट भी देखे हैं, दिए भी हैं और देता भी रहता हूं अभी भी, कोशिश करता हूं, मुझे जॉब की जरूरत नहीं पर फिर भी सिर्फ देखने के लिए, असेस करने के लिए उनके लेवल को मैं देता हूं. यही आपका लेवल है एग्जाम का, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा. फटाफट से शुरू करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को. क्लोज ऐसा क्वेश्चन था, कह रहा है इट इज इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट अ न्यू पॉपुलेशन वेदर फ्रॉम अफ्रीका और ईरान विल फेयर बेटर टुडे देन इन द पास्ट. कोमल का कह रहा है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं अपने, इट्स ओरिजिन मस्ट बी. आपने सेंटेंस मेरे साथ सुबह पढ़ा है, सेंटेंस का मतलब ये था, बड़ी वाहियत बात है अगर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नई पॉपुलेशन चाहे अफ्रीका से आए या ईरान से आए वो फेयर बेटर करेगी, बड़ा अच्छे से अपना ख्याल रखेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आज बजाय पास्ट के, बजाय भूतकाल के, है ना. अब देखो कह रहा है वट एवर इट्स ओरिजिन मस्ट बी, मोर ओवर इट्स ओरिजिन मस्ट बी, रिगार्डलेस इट्स ओरिजिन मस्ट बी, इवन दो या ऑल दो इट्स ओरिजिन मस्ट बी, इन सब में से आपको एक को चुनना है. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बात करूँ ना तो मैं क्या कहना चाहूँगा, चाहे जो भी इसका ओरिजिन हो, क्या बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ अफ्रीका से आए ईरान से आए वो फेयर बेटर नहीं करने वाली है, इलॉजिकल सी बात है. अब आगे क्या कह रहा हूँ मैं, चाहे जो भी उसका ओरिजिन हो. अब चाहे जो भी के लिए जिस डिटरमिनर को या प्रोनाउन को आप यूज़ करते हैं ना वो होता है वट एवर. इसको तोड़ के भी देख सकते हो आप, वट मैंने क्या, एवर मतलब एवर होता है ना कुछ भी, इसका मतलब ही होता है चाहे कुछ भी हो, वट एवर मतलब चाहे जो भी हो. अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होगी ना, इवन दो और ऑल दो तो आप देखते ही समझ जाओगे, इवन दो ऑल दो तो क्या होता है हालांकि, है ना, हालांकि तो आप रख नहीं सकते यहाँ पे, हालांकि इसका ओरिजिन जो ये तो बनता नहीं है. आपको कन्फ्यूजन होगी रिगार्डलेस और वट एवर में. जिन लोगों को रिगार्डलेस में कन्फ्यूजन है अभी अपने हाथ तो आप खड़ा नहीं कर सकते हो, आप सोचो खुद ही आप कि रिगार्डलेस क्यों यहाँ पे गलत है. चलिए मैं बता देता हूँ, रिगार्डलेस के साथ में हमेशा ऑफ आएगा, है ना, रिगार्डलेस ऑफ ही आएगा. तो मैं क्या लिखूं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन्स. तो ये मुझे यहाँ पे इट्स रखना है, ओरिजिन्स रखना है, मस्ट भी निकाल देना है. तो कैसे बनेगा, वट एवर या रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन. वट एवर लगाया तो ऑफ नहीं लगाना है, रिगार्डलेस लगाना तो ऑफ लगाना है. ऑफ यहाँ था नहीं तो रिगार्डलेस को भी मैंने नामंजूर कर दिया, वट एवर मेरा आंसर है. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, एरर्स फाइंड करनी है आपको इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर. चलिए आपका जो भी आंसर हो अभी चेक करें मेरी अप्रोच के साथ. मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये थ्रेडनिंग गलत है. अब क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट मेरे साथ फटाफट देख लो आप. पार्टिसिपल्स का, पार्टिसिपल्स दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इनका काम क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. अब वर्ब की फॉर्म तो वर्ब का काम करेगी ना, नहीं मेरे भाई. पार्टिसिपल क्या बन जाता है, पार्टिसिपल वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम उस तरीके से यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे कि वो एडजेक्टिव बन जाती है. समझ रहे हो बात को, है तो वो वर्ब की फॉर्म ही पर मैं उसको यूज़ इस तरीके से करूँगा कि वो एडजेक्टिव बन जाएगी, फिर मैं उसको वर्ब नहीं बोलूँगा, फिर मैं उसको बोलने लग जाऊँगा पार्टिसिपल. अगर वो आईएनजी फॉर्म होगी तो मैं बोल दूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आईएनजी होता है. और अगर मैं उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव तरह यूज़ करूँगा तो बन जाएगा वो पास्ट पार्टिसिपल. अब एग्जाम्पल देखो, बर्निंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, थ्रेटनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फ्राइटनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म. समझ रहे हो मेरी बात को, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी ना तीनों के तीनों. अच्छा, इन्हीं के मैं थर्ड फॉर्म ले लूँ, बर्न्ड
threatened, frightened. थर्ड फॉर्म है ना, तो ये हो गए पास पार्टिसिपल. अब मैं आपको उनको यूज करके दिखाता हूँ, देखो कैसे एडजेक्टिव जरा यूज होते हैं. मैंने लिख दिया अ बर्निंग हाउस. हाउस तो नाउन है, बर्निंग इससे पहले क्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है. मतलब क्या है, एक ऐसा हाउस जो जल रहा है. अ बर्निंग हाउस मतलब एक जलता हुआ घर. अच्छा, अ फ्राइटनिंग थॉट, एक ऐसी थॉट जो फ्राइटनिंग है, डराने वाली है. फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला. अ थ्रेटनिंग एनिमल, एक ऐसा एनिमल है जो थ्रेटन करे आपको, जो आपको जो हमला करने के लिए चेतावनी दे आपको, है ना, जो आपको चुनौती दे. तो मतलब कहने का क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जलने वाला हाउस या जलाने वाला हाउस. मैं बर्निंग लैंप होता ना तो मैं क्या कह रहा था, जलाने वाला लैंप, है ना, बर्निंग लैंप, या तो जलने वाला या जलाने वाला. फ्राइटनिंग मतलब फ्राइटन करने वाला, थ्रेटनिंग मतलब थ्रेटन करने वाला. तो मतलब वाला आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के लास्ट के अंदर, है ना, वाला. अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में क्या आएगा, अ बर्न्ड हाउस, एक जला हुआ घर. अ फ्राइटेंड बॉय, एक डरा हुआ बच्चा. अ थ्रेटन्ड एनिमल, एक चुनौती में एनिमल, मतलब थ्रेटन्ड है, जिसको बहुत जगह से चुनौती मिल चुकी है. जैसे कोई छोटा कुत्ता है, उसको बड़े कुत्ते जो है धमका फिरा करके रखते हैं, तो वो थ्रेटन्ड है वो, समझ गए. अ बर्न्ड लैंप, एक लैंप है जो जला हुआ. मतलब इसके लास्ट में आएगा कुछ काम हुआ हुआ. दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये भी हाउस के बारे में बता रहा है बर्न्ड, ये भी बर्निंग हाउस के बारे में बता रहा है, पर यहाँ पे है जलने वाला घर या जलाने वाला घर, और यहाँ पे है जला हुआ घर. यहाँ पे है डराने वाली थॉट, यहाँ पे है डराने वाला डरा हुआ बच्चा. यहाँ पे थ्रेटन करने वाला जानवर, यहाँ पे थ्रेटन हुआ हुआ जानवर. बस यही फर्क है प्रेजेंट और पार्टिसिपल में, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में. अब इतना समझ गए ना तो आपको पता लग जाएगा थ्रेटनिंग क्यों गलत है. क्यों कह रहा हूँ, देर आर मैनी सीरियसली थ्रेटनिंग इंडियन स्पीसीज. वहाँ पे बहुत सारी, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, डराने वाली, थ्रेटन करने वाली इंडियन स्पीसीज हैं. कह रहा है सच है, जैसे कि लॉयन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अब यहाँ तक तो ठीक है, दोनों डराते हैं, बात भी सही है, थ्रेटनिंग है. आगे क्या कह रहा है, विच डिजर्व इमीडिएट कंजर्वेशन एक्शन, जिनको जरूरत है फटाफट से कंजर्वेशन के एक्शन की. कहने का मतलब क्या है, ये स्पीसीज डराने वाली नहीं है मेरे भाई, ये थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, ये शिकारियों से डरी हुई है. ये स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, थ्रेटन्ड हैं, इसलिए इनको कंजर्वेशन की जरूरत है, बचाव की जरूरत है, प्रिजर्वेशन की जरूरत है. कहने का मतलब क्या हुआ, इस विच वाले एडजेक्टिव क्लोज ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे थ्रेटनिंग नहीं, थ्रेटन्ड आएगा. यही आपका जो आपका एरर है यहाँ पे. तो आप अगर आंसर्स में देखोगे ना, तो आंसर क्या है, देर आर मैनी सीरियसली थ्रेटन्ड इंडियन स्पीसीज. समझ गए ना थ्रेटन्ड क्यों आया, क्योंकि इनको बचाने की जरूरत है. जिसको बचाने की जरूरत है वो थ्रेटनिंग तो हो नहीं सकता, वो तो एक्चुअल में थ्रेटन्ड होगा. तो यहाँ पे पार्टिसिपल जो है ना, उसकी गलती है. चलो चार नंबर पे आ जाओ. चार नंबर कहता है कि इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है ना, उसके ऑपोजिट बताओ. प्रे मैंने आपको बताया था क्या होता है, शिकार. आपने एडिटोरियल में भी देखा था मेरे साथ, जस्ट ए मिनट. हाँ, प्रे बेस, वो वाला शिकार का बेस जो कि करंटली सस्टेन करता है टाइगर्स और लेपर्ड्स को. मतलब शिकारी, शिकार का बेस मतलब जो ग्रुप है जिनको ये लोग खाते हैं, लेपर्ड्स और टाइगर्स. प्रे मतलब शिकार. तो मैंने शिकार का ऑपोजिट पूछा आपसे. शिकार का देखो, सफर, जो सफर करे, जो सहे है. प्रेडेटर मैंने आपको बताया था, दरिंदा. विक्टिम मतलब जानते हैं आप, विक्टिम होता है ना किसी चीज़ का, जो शिकारी होता है उसको विक्टिम बोलते हैं हम, है ना. नन ऑफ द अबव. आप ही बता दो कौन सा इनमें से इसका ऑपोजिट है. देखो प्रे ही सफरर है, सफर भी करता है प्रे. प्रे विक्टिम है, शिकार भी विक्टिम ही है, है ना. और ये प्रेडेटर है, ये होता है दरिंदा, जो प्रे इसको बनाए. तो प्रे का बिल्कुल उल्टा कौन है, प्रेडेटर. प्रेडेटर ही जो है वो प्रे को खाता है. तो इसका बिल्कुल उल्टा होने की वजह से हमारा ऑपोजिट है, और ये मेरा आंसर है चौथा बी. सफरर एंड विक्टिम बोथ आर सिनोनिम्स. पांच नंबर, मैंने पूछा आपसे जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. रिस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डिवर्स स्पीसीज कैन नॉट बी ए सीरियस गोल. फटाफट से मैं इसकी पार्सिंग कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है. देखिए, रेस्टोरिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है, क्या क्या बन सकती है. एक तो बन सकती है जेरेंट, नाउन होता है. दूसरा काम क्या कर सकती है, वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब का काम कर सकती है. तीसरा, मैंने अभी आपको बताया था, वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तीन में से एक ही काम करेगी ना. चलो मैं इन तीनों में से एक इसको मान लेता हूँ. अभी आगे देखेंगे कौन सा वाला ये है. इकोलॉजी क्या होता है, नाउन. एंड क्या होती है, कंजंक्शन. डिवर्स क्या होता है, एडजेक्टिव, विविध, है ना. स्पीसीज क्या होता है, नाउन, है ना. कैन नॉट, यही क्या बन गई आपकी, कैन आ गई मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आ गई बी, है ना, मेन वर्ब. ए इसके बाद आर्टिकल है, सीरियस एडजेक्टिव है, गोल एक नाउन है. अब मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, सब्जेक्ट और वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में ढूंढनी है, ठीक है ना. मेरे को ये बताओ, वर्ब तो आपके आ गई कैन नॉट बी, आप समझ रहे हो ना. एक सेकंड मैं साफ कर दूं, देखो कैन नॉट बी आपकी वर्ब आ गई. सब्जेक्ट चाहिए आपको इस वर्ब का, सब्जेक्ट तो कोई ना कोई तो होगा ही. सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट.
इससे पहले कौन कौन सा नाउन आया है? स्पीसीज, इकोलॉजी और ये जेरेंड आया एक, है ना, अगर मैं इसको जेरेंड मान सकूं तो ये जेरेंड है ना। इन तीनों में से मेरा एक सब्जेक्ट है, मान लो स्पीसीज और इकोलॉजी मेरे सब्जेक्ट हैं, तो ये क्या कर रहा है, इससे पहले क्या काम कर रहा है? मान लो इसको एडजेक्टिव मान लो आप, तो रीस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डिवर्स स्पीसीज, ये तो कोई एडजेक्टिव नहीं बना। एक्चुअल में रीस्टोर करना तो एक काम होता है, एडजेक्टिव की तरह तो काम करने वाला है नहीं है। मतलब कहने का ये, इससे पहले ये तीन नाउन्स में से एक, दो और तीन, इन तीनों में से ये हमारा सब्जेक्ट है। रीस्टोरिंग एक सब्जेक्ट कैसे बनेगा? जेरेंड बनकर के सब्जेक्ट बनेगा। जेरेंड जो होते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म होती है, जो कि सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आकर के नाउन का काम कर जाती है। तो मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है रीस्टोरिंग, जेरेंड है, जेरेंड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो रीस्टोर किसको करना है? इकोलॉजी को, और किसको करना है? डाइवर्स स्पीसीज को। अच्छा, ये इसकी वर्ब आ गई कैन नॉट बी, और वर्ब से जो क्या या हुम का जवाब देते हैं ना, व्हाट या हुम, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। क्या रिस्टोर नहीं कर सकते? एक सीरियस गोल को। क्या का जवाब दिया? तो गोल इसका ऑब्जेक्ट है। तो आप थोड़ी सी पार्सिंग करके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म एक्चुअल में सब्जेक्ट का काम कर रही है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, उसको हम जेरंड बोलते हैं। इसलिए मेरा आंसर है जेरंड एज सब्जेक्ट। चलिए, अच्छा लगा हो तो जरूर से बताएं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरा टाइम टेकिंग लेगी, मैं कोशिश करूंगा जितने दिन मैं कर पाऊं वीक में उतने दिन मैं करूंगा, पर आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज और नॉट। मुलाकात लूंगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ। दे तब तक के लिए इजाज़त। लाइक करना ना भूलें वीडियोस को, शेयर करना ना भूलें। कंटेंट सबके लिए है, आपको मिला है, सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।